आपके अपने YouTube चैनल रॉकस्टार क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों हमारा नेक्स्ट पेपर 21 फरवरी को कक्षा 12वीं का इतिहास हिस्ट्री विषय का है, तो हम क्या है हिस्ट्री विषय की लगातार तैयारी करेंगे। लगातार आप लोग कमेंट कर रहे थे, ओके, तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, क्रम से हम बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे। ओके, क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, सॉल्यूशन भी आपको समझाऊंगा, टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी। ओके, इस वीडियो में दोस्तों हम क्या है दो अंकीय महापुरुष दिखने वाले हैं, ओनली क्वेश्चन में आपको बताने वाला हूं। लगभग मैं आपको 40 से 45 क्वेश्चन बताने वाला हूं, दो नंबर वाले, जिन्हें आप तैयार कर लेना है। संभल आपकी आपकी क्या है पूरी बुक का निचोड़ है आपके दो नंबर वाले का। ओके, और आपके पेपर में दो नंबर के 10 क्वेश्चन आने, 10 क्वेश्चन मतलब 20 नंबर का आपका वेटेज रहने वाला आपके दो नंबर वाले। तो दो नंबर वाले बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उन्हें अच्छे से तैयार करना है। ओके, ज्यादा दम लड़ाका नहीं रहता है। ओके, बहुत ही दो दो लाइन के अंदर सबके आंसर रहते हैं, ज्यादा मेहनत भी नहीं करेंगे। ओके, आपके यहाँ 3 से 4 घंटे बैठ जाते हैं, तो पूरी किताब के आप दो नंबर वाले तैयार कर लेंगे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ दो अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, तो ग्रेड पद्धति क्या थी, ओके, ये आपको तैयार कर लेना। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है फाइनेंस क्या था। ओके, नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के विनाश के प्रमुख दो कारण लिखिए। ओके, आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना है हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना व्यवस्था की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखिए। ओके, आपको चिंता बिल्कुल नहीं करना है, मैं इतना सॉल्यूशन तैयार कराऊं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन तैयार कर रहा हूं। ओके, जल्दी आपको मिल जाएगा। मैंने सोचा जब तक आपको गया है इससे पहले क्वेश्चन दे दो, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपको पता होंगे, और नहीं पता तो आप क्या है स्वयं तैयार करने की कोशिश करिएगा। बाकी मैं तो आंसर आपको तैयार कर ही रहा हूं, और जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगी। ओके, तो वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो लाइक अभी से कर दीजिएगा। ओके, आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है हड़प्पा सभ्यता की दो सबसे बड़े नगरों के नाम लिखिए। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है मौर्य साम्राज्य के कोई चार प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत के नाम लिखिए। ओके, आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है मैग्नीज कौन था संक्षेप में लिखिए। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपको क्वेश्चन तैयार करना है महाभारत का क्या ऐतिहासिक महत्व है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्विवाह प्रथा क्या होती है और बहिर्विवाह प्रथा क्या होती है। साथ ही दोस्तों आपको क्या है विवाह के 8 प्रकार होते हैं, 8 के प्रकार याद कर लीजिएगा। ओके, मनुस्मृति के अनुसार 8 प्रकार के विवाह होते हैं, उन्हें भी आपको तैयार कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका महावीर जी की कोई दो शिक्षाओं के नाम लिखिए। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं दो शिक्षाओं की आपको बतानी होगी। नेक्स्ट है जैन धर्म के पंच व्रत के नाम लिखिए। ओके, इस वाले मैंने आपको बताया विवाह आपको याद कर लें, तो विवाह में किस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो आपको बताया मनुस्मृति के अनुसार 8 प्रकार के विवाह होते हैं, जिसमें 4 अच्छे हैं, 4 निष्कृष्ट है, निष्कृष्ट मतलब बुरे हैं। ओके, तो आप क्या उनके नाम तैयार कर लीजिएगा, साथ ही उनके बारे में एक लाइन भी तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन से हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है, कौन कौन से हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध की दो शिक्षाओं के बारे में लिखिए। ओके, महात्मा बुद्ध की और महावीर जी की दोनों की क्या है दो दो शिक्षा अच्छे से तैयार कर लीजिए, दो दो नहीं मैं तो कहूँ 4-4 आप तैयार कर लीजिएगा। 3 नंबर में अभी आ जाता है कई बार क्वेश्चन, तो 3 आपको शिक्षाएं लिखनी पड़ेगी। ओके, इसलिए 3 से 4 याद करके रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका अमरावती का स्तूप कहाँ स्थित है एवं इसकी खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट आपको तैयार करना है फ्रांसवा वर्नियर कौन था। ओके, नेक्स्ट आपको तैयार करना है वर्नियर का सिवर नगरों का से क्या अभिप्राय था। ओके, नेक्स्ट आपको तैयार करना है कराई गायक अम्माई कौन थी। ओके, नेक्स्ट आपको तैयार करना है सरिया क्या है संक्षेप में लिखिए। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है भक्ति आंदोलन के किन्हीं 4 संतों के नाम लिखिए। ओके, तो आपको लग रहा है कौन को बहुत सारे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, जब इनका आप सॉल्यूशन याद करेंगे एक दो लाइन से ज्यादा है ही नहीं है, सबके सॉल्यूशन दो दो लाइन के हैं, एक एक बार पढ़ेंगे समझेंगे आपको तुरंत तुरंत याद हो जाएगा। तो जितने मैं आपको 40-45 क्वेश्चन बताऊं मैं गारंटी के साथ कह लेता हूं कि अगर आप क्या है 2 से 3 घंटे 4 घंटे बैठ जाते हैं पूरे एक लाइन से आप क्या है पूरे निपटा देंगे। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके दोस्तों चलिए देख ले आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना है हरिहर और बुक्का ने किस राज्य की स्थापना की, तो कोई विजयनगर राज्य की स्थापना की। ओके, जो दो नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ ये आपके एक वाक्य नहीं बन सकते, आपको पता है तैयार करते जाइएगा। ओके, नेक्स्ट है विजयनगर में मंदिर क्यों महत्वपूर्ण थे। ओके, नेक्स्ट है देवराज द्वितीय के शासन काल में आए दो विदेशी यात्रियों के नाम लिखिए। ओके, नेक्स्ट आपको तैयार करना है अमर नायक कौन थे। ओके, नेक्स्ट है मुगल कालीन ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। ओके, आगे देख लेते हैं, आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है खुद काश्ता किसान कौन थे। ओके, नेक्स्ट है जिन्स एक कामिल ने के अंतर्गत आने वाली किन्हीं 5 फसलों के नाम लिखिए। ओके, नेक्स्ट है बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त किसने और कब लागू की, मतलब फैक्ट वाले बहुत ज्यादा आते हैं दो नंबर में, तो वही आपको तैयार करना है 5 नाम बता देना है। ओके, किसने और कब लागू की ये आपसे पूछा जा रहा है, खुद काश्ता दो दो लाइन के आंसर है तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट है औपनिवेशिक काल में किसानों की ऋणग्रस्तता के कोई दो कारण लिखिए। आगे देख लेते हैं, और ये बात ध्यान रखिएगा दो नंबर क्वेश्चन है, तो 2 से 3 ही लाइन आपको विवरण लिखना है, ज्यादा आपको लिखने में नहीं पढ़ना होगा, क्योंकि आगे फिर आपको 4-4 नंबर वाले हैं उसमें आपको अपना आपको अच्छा से लिखना है। ओके, इसलिए क्या है दो नंबर वाले दो दो लाइन लिखिए, आपको पर्याप्त नंबर पूरे आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है आपका संथाल विद्रोह के बारे में आप क्या जानते होगे। नेक्स्ट दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है बुकानन कौन था। ओके, आगे नेक्स्ट दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है 1855 ईस्वी के संथाल विद्रोह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता कौन था। ओके, आगे देख लेते हैं,
इसके आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या हुआ। ओके, हमारा क्वेश्चन पूछ रहा 1857 के विद्रोह की असफलता के किसी एक कारण का आपको उल्लेख करना है। ओके, नेक्स्ट है आपका मौलवी अब्दुल्ला शाह को डंका शाह क्यों कहा जाता है। ओके ओके दोस्तों, आगे क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी दोस्तों हमने कहा है अपने अनुराग के सारी क्लासेस के हिस्ट्री के कंप्लीट कोर्स ज्वाइन किया, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ओके, हिस्ट्री के कोर्स में मिलेगा क्या, ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओके, चैप्टर का एक चैप्टर, साथ ही आपको दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, इस प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन साथ आपको दिए जाएंगे, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन, मतलब एक बार से कहें तो कंप्लीट आपकी तैयारी हो जाएगी इसमें आपके 5 से 6 दिन में। ओके, मतलब आपका इतना ही समय आपका हुआ है, 10 दिन है लगभग आपके पास, पर्याप्त समय है, तैयारी अच्छी हो जाएगी। ओके, तो आपको क्या है कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 9039354479 दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करना है। ओके, फीस 199 रुपए, 50% ऑफ चल रहा है, आपका है केवल 99 रुपए में कंप्लीट कोर्स दिया जा रहा है, और पर्याप्त समय है हिस्ट्री की तैयारी के लिए, अच्छी आप तैयारी कर सकते हैं। ओके, तो एकदम फोकस के साथ तैयारी करते जाइएगा। ओके, देख लेते हैं आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना है, क्रिप्स मिशन कब और भारत आया, इसका क्या उद्देश्य था। ओके, नेक्स्ट आपको तैयार करना है, गांधी जी ने नमक कर कानून और कब और कहां तोड़ा। ओके, नेक्स्ट आपको तैयार करना है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहां से और कब प्रारंभ की, इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है, गांधी जी ने चरखा की कौन कौन सी लाभ बताएंगे, कोई दो आपको बताना। नेक्स्ट आपको तैयार करना है, आजादी के साथ साथ जश्न के माहौल में क्या दर्द दिखाई दिया। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं, लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाके लाइक और शेयर ठोक दीजिए, पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, ये दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है, प्रारूपी समिति का मुख्य कारक क्या था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सूची क्या है, ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है, समवर्ती सूची क्या है। ओके, इनमें से एक है आपका केंद्रीय सूची, आपका क्या है मुझे लग रहा है बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, उसमें से आप केंद्रीय आ चुका है तो आपको समवर्ती पूछा जाएगा। ओके, ये समवर्ती आया तो केंद्रीय पूछा जाए, इस प्रकार से आ चुका है तो ये एक आ चुका है, एक आपको पूछा जा सकता है, इसलिए दोनों तैयार अच्छे से करके रखिए। ओके, नेक्स्ट आपको तैयार करना है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 का क्या अर्थ है, ये आपसे पूछे जा रहा है। साथ ही इन क्वेश्चनों के साथ साथ अभी से दोस्तों आप क्या है, अभी सब पर्याप्त समय है, आपको क्या करना है, जिन जिन चैप्टर से मैप आते हैं, जैसे आपका हड़प्पा वाला चैप्टर है, उससे भी आपको पूछे जा रहा है, लोथल कहाँ है, कालीबंगा कहाँ है, तो मैप वाला सेक्शन अच्छे से अभी तक प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि 4 नंबर का मैप आता है, आगे मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, आप कहेंगे तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो मैं मैप वाले जो आप इंपॉर्टेंट है मैप लाऊंगा तो उनकी प्रैक्टिस करा दूंगा, कौन स्थान कहाँ, ये वाला मैप जरूर आता है अच्छे से तैयार के लिए, 4 नंबर का रहता है, अभी से डेली डेली एक एक कर दिए, 10 से 15 मैप आप तैयार कर लीजिए, उतने में आपका आ ही जाएगा। ओके, सब स्थान को देखते जाइए कौन कहाँ कहाँ है, इससे आपको मैप की सहायता हो जाएगी। ओके, आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट आपको तैयार करना है, पृथक निर्वाचन के प्रस्ताव पर सरदार पटेल के क्या तर्क दिया। ओके, ये आपको तैयार कर लीजिएगा। इस प्रकार से दोस्तों मैं आपको कहा है, टॉप आपको 45 क्वेश्चन बताए, 2 नंबर वाले सभी तैयार कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों क्वेश्चन का आंसर लिखें तो सबका आंसर एक ही दो लाइन का है, तो केवल और केवल आपको जैसे प्रारूप समय आपको केंद्रीय सूची पूछी, केंद्रीय सूची की हेडिंग डाली पेपर में और 2 लाइन में आपको बता दी केंद्रीय सूची क्या है, संबंधित 2 लाइन में डाली, इस प्रकार से क्या है, सरदार पटेल के तर्क पूछे जा रहे हैं, 2 लाइन में उनका तर्क बता दिया, प्रारूप समय एक कार 2 नंबर का है, 2 कार आपने हेडिंग बनाकर लिख दी, तो इतना बस आपको शॉर्ट में लिखते जाएगा, क्योंकि फिर आपको आगे 4 नंबर का लिखना है, उसमें आपको अपनी कला दिखानी है, उसमें आपको दिखाना कि मैं कितना टॉपर हूं, तो उसमें आपको ज्यादा लिखना पड़ता है, ऐसे 3 नंबर में, ऐसे 4 नंबर में, इसलिए 2 नंबर में कम लिखना है, 3 और 4 नंबर तब आई से लिखना होगा, 3 नंबर में लिमिट से, 4 नंबर एकदम 2-2.5 पेज आपको लिखना होगा, तो इस प्रकार से आपको तैयारी करना है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करके चैनल से आप जुड़ गया, कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स से आप जरूर पूछ लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।